रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं कि वो लेके आए। फ्रेंड्स आप बताइए कौन से ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है क्या। हाय गाइस, मैं हूं शालू एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से और बाय गॉड ग्रेस हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं निकल गई हूँ मम्मी के साथ मार्केट। मम्मी बोली हेलो। हेलो। हम दोनों मनोज अंकल के साथ जा रहे हैं मार्केट, गणेश चतुर्थी का कुछ सामान लेना है। और मैं इस बार फ्रेंड्स ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम गणपति जी वो जो ड्राई क्ले आता है ना उससे मैं बनाऊँ। तो देखते हैं अभी क्या करना है। लेकिन मम्मी कह रही हैं कि नहीं, वो मम्मी वो कौन सा होता है, कच्ची मिट्टी का ना। हाँ वो कच्ची मिट्टी का लाने, कच्ची मिट्टी के गणपति जी लाने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं कि वो लेके आए। फ्रेंड्स आप बताइए कौन से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। रुकिए मैं एक मिनट मम्मी ना वो शिवानी को कॉल करते हैं, देखिए वो ड्राई क्ले वाला कहाँ मिलेगा। वो दुकान में मिलता है, कहाँ मिलता है? अरे ये कुम्हार है, अभी तभी बताएंगे, वहीं बैठे छुट्टी के बहुत सारे मिलते हैं। हेलो कच्ची से। हाँ दीदी क्या हुआ आपको? हाँ चुंगी पर जो नहीं। अच्छा मुझे लगा बीमार है। सुनिए ना मैं मार्केट आई थी, तो बताइए दीदी वो ड्राई क्ले कहाँ मिलेगा? अच्छा हाँ वो जो इधर सैगल डायग्नोस्टिक सेंटर पड़ता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ड्राई क्ले है आपके पास? ड्राई क्ले ठीक है। आपको चाहिए क्या दीदी? पहले देखो जाके वहाँ मिलेगी, अगर मिले तो फिर बताना। हाँ ठीक है फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है अंकल, क्या कच्ची मिट्टी के गणेश जी बन गए गणपति? अभी नहीं, कब बनेंगे भैया? कब तक नहीं होगी भैया ना? मार्केट से हो गई है हमारी सारी शॉपिंग जो जो हमें लेना था। तो आइए अब शुरू करते हैं गणपति मेकिंग। तो आज मैं बनाने वो एक्चुअली वो जो क्ले वाला मैंने आपको बताया था ना वो मिला नहीं जो मैं चाहती थी, और जो था वो बहुत थोड़ा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो वो कच्ची मिट्टी होती ना उसी से मैं बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं गणपति मेकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स गणपति मेकिंग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। और इसलिए भी बिकॉज आई एम रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन एज आई एम डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। तो आजकल आपने ये देख रहे होगे कि हमारी वायरल हो गई है काफ़ी ज़्यादा, जिसका नाम है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो हम जो है इसको काफ़ी नाम से जानते हैं, जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस, कुछ लोग इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, आई फ्लू के नाम से जानते हैं, या आँख में दुखनी आना, या आँख आना, या रेड आई। इस समय आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे ना तो आपको एक रेड आई की अलग ओपीडी बनी मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है क्या। देखिए ये एक तरीके की वायरस की प्रॉब्लम है। तो है क्या इसमें, हमारी जो आँख है, ये जो हमारी आँख का वाइट पोर्शन, ये इसकी बीमारी है। जैसे कि आपकी आँख में वाइट जो पार्ट है उसकी एक पतली सी लेयर जिसका नाम है कंजक्टिवा, उसमें उसकी इन्फ्लेमेशन को हम लोग
कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ में आइटिस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो उसकी इन्फ्लमेशन है। तो हमारी कंजक्टाइवा की इन्फ्लमेशन को हम लोगों ने कंजक्टिवाइटिस कहा। और इसमें आने वाले सिम्टम क्या क्या है, जैसे आपकी आँख में वॉटरी आई, आँखों से आंसू आना, आँखों में चिपचिपापन, आँखों का लाल होना, इसमें स्वेलिंग आना और आँखों का गड़ना, ये सारे इसके सिम्टम हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आई फ्लू हो गया है। रेड आई होने के, आँख लाल होने के और कॉजेज हैं, किसी और वजह से भी हो सकता है। तो आप जाइए, अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही उनको ऐसा सारा सिम्टम दिखता है तो उन्हें लगता है हाँ ये आई फ्लू है, और जाते हैं केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास, और उनसे बोल देते हैं कि मुझे ये आई फ्लू का दवा दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे केमिस्ट या फार्मासिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमें स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन दे दे रहे हैं, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन दे दे रहे हैं। डेक्सामेथासोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है, जो आँख में जाएगा तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान आपको करेगा। तो मेरी ये आप सबको सलाह है कि अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो प्लीज़ आप जाएं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये क्या है, ये आई फ्लू है या कुछ और है, उसका तब प्रॉपर ट्रीटमेंट है। वैसे यूजली जो दवाएं चलती हैं उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हो गई, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि वायरस की डिजीज़ है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी आँखों का इन्फेक्शन होता है तो हमारी आई की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो चुकी होती है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो हो गई इसकी बात। तो आइए अब बात करते हैं इसके एसोसिएटेड मिथ्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि अरे आँख लाल है, इसको देखने से आई फ्लू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये फैलती किसकी वजह से है, फोमाइट्स की वजह से। फोमाइट्स क्या होता है कि हमने जैसे आपके आँख में इन्फेक्शन है, आपने ऐसे आँखों पे हाथ लगाया, फिर आपने किसी टेबल पे हाथ लगाया या किसी डोर हैंडल पे हाथ लगाया, तो क्या होगा आपका इन्फेक्शन जो है वहाँ गया और किसी ने उसको टच कर लिया तो वो इन्फेक्शन किस हाथ में गया और उसने अपनी आँखों में लगाया तो वो इस तरीके से फैलता है। या आप किसी के कॉन्टैक्ट में गए, आपकी आँखों, आपने अपनी आँख में हाथ लगाया फिर आपने किसी से कॉन्टैक्ट किया लाइक हाथ मिलाया, तो इस तरीके से ये फैलता है, ना कि इस तरीके से कि देखने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं कि ग्लासेस पहन के रखिए, काला चश्मा पहन के रखिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आँखों में ब्लैक कवर होगा तो हम बार बार अपनी आँख को छुएंगे नहीं, और इस टाइम जो है हम लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लाइक लाइट हमें बहुत चुभती है, सन की लाइट, उससे हम सबसे बचे रहें, इसलिए हम जो है ब्लैक चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा आपको सिम्टम आ रहा है तो आपको करना क्या है, मतलब इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। तो आप जो है क्या करेंगे कि ठंडा जो आइस क्यूब होता है ना उससे आँखों को सेक करेंगे, ये भी, और उसका एक तरीका है, उसको इस तरह नहीं करना कि लिया बर्फ और डायरेक्ट ऐसे आई पे लगा दिया। मैं एक साफ कॉटन का क्लोथ लेना है, पतला सा, उसमें रखना है और एक एक मिनट रखना है, ऐसे हटाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आई में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, लालिमा बढ़ेगी, रेडनेस बढ़ेगी, ठीक है। और आँखों को हमें साफ किस तरह करना है, ये नहीं कि ऐसे आँखों पे ऐसे पानी लिया और ऐसे छींटे मारे, ऐसा नहीं करना है। आँखें खोल के हमें तो बिल्कुल भी आँखों को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि आँखों का जो लुब्रिकेटिंग, जो आँखों का लुब्रिकेशन होता है वो जाता है, जिससे हमारी आँख ड्राई होती है और हमारे विजन पे भी फ़र्क आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, हमें एक ल्यूकवॉर्म वाटर लेना है, मतलब गुनगुना पानी, उसमें हमें कॉटन स्क्वैब्स, मतलब छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े कर लो, उसको गर्म करो, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए उसको अटैच करके देखो बिल्कुल भी ठंडा हो गया, तब हमें आँखों को ऐसे धीरे से उसको वाइप कर लेना है, या आपके पास आई वाइप्स हो तो उनसे साफ करना है। तो ये थी हमारी वायरल कंजक्टिवाइटिस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और वैसे तो ये क्या होता है कि मतलब यूजली ये कोई नई बीमारी नहीं है, बारिश के मौसम में आपको मैक्सिमम पेशेंट्स में देखने मिलेगी, लेकिन इस साल क्या हुआ कि हर तीसरे पेशेंट को ये बीमारी है। तो
इस वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। होप आप ये समझ में आया हो, और अगर ऐसा कोई आपको सिम्टम है तो आप जाइए अपने डॉक्टर के पास, उसे कंसल्ट करिए। ऐसे जाके सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, और अगर आपको ऐसे शुरुआत में ऐसे कोई सिम्टम आए हैं तो प्लीज़ उसकी केयर करें, प्रिवेंशन करें। और हाँ, अगर ऐसा कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन है तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर उस पर्सन को इन्फेक्शन है तो आपका होने के चांसेस मैक्सिमम है। थोड़ा सा बस यही इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं गणपति मेकिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे मिट्टी ले ली है। अब इसमें और मम्मी और क्या क्या लगेगा? घी और थोड़ा सा पानी। ठीक है, तो चलिए मैं घी और पानी लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले आई हूँ, और मैं उनसे ये गणपति बप्पा से थोड़ा सा आइडिया लूँगी कि कैसे मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे कोई भी आइडिया है नहीं। तो ये रही मिट्टी, और ये ले आई हूँ मैं घी, और ये है इसमें पानी, और मैं बनाऊंगी इसके डब्बे पे। ये एक डब्बा रखा हुआ था, तो इसमें चलो सबसे पहले क्या कर लेते, पेपर भर लेते हैं, ताकि ये ऐसे थोड़ा सा लूज लूज है ना, तो ये अंदर जाएगा। थोड़ा पेपर भर लेते हैं। नहीं वे, मैं खुद भी गलती में डांट पड़ी जाती है, कोई ऐसा काम मैं कर ही लेती हूं। वैसे डब्बे बहुत याद में ढूंढने गई, तो एक डब्बा नहीं मिला। थोड़ा सा घी डालें, पहले क्या करना है? थोड़ा सा जरा सा घी डालना, आधा चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच डाल लो। ठीक, मिला लो, बनाए हैं मैंने गणपति बप्पा। अभी थोड़े से क्रैक्स हैं, चलिए अभी इसको सुखाने रख देंगे, उसके बाद जब फाइनल लुक आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मम्मी को लगा नहीं कि मैंने चिकना किया उसको, तो अब मम्मी उसको प्रॉपर बैठ के पानी लगा के चिकना कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, देखते हैं फाइनल लुक क्या होता है, चिकने होते या नहीं होते। हो रहे हैं रुकने, ये देखिए। चलिए मम्मी, ठीक है, आप करिए। फ्रेंड्स, हो गया मेरा वापस से बहुत बड़ा पचका, मुझे रोना आ रहा है, लिटरली बता रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है कि हुआ क्या। ये जो मैं गणपति जी बना रही थी, वो मैंने बीच में जब वो मिट्टी को बाइंड किया, उसके बाद जो है मैं प्ले बटन ऑन करना ही भूल गई, और पूरा मतलब मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था कि मैंने कैसे बनाया, कैसे शुरुआत करी, और सब कुछ भी नहीं आया, मतलब इवन एक सिंगल शॉट तक नहीं आया उसका। भाई देखिए, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हंसिए मत मम्मी, मुझे रोना आ रहा है, वो उनको चिकना करने में बिजी है। मतलब तो बड़ा बुरा लग रहा है। फ्रेंड्स, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया था, पूरा, इसलिए नहीं है ना, ये कोई बात नहीं मानती, अपने ही रखती है। गणपति जी सुखाने रख दी हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, मतलब कैसे सूखते हैं, उन पर कोई क्रेक नहीं है। जैसे मम्मी बता रही थी ना कि मैंने उसको ऐसा थोड़ा शाइनी और सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं करा, तो मे बी उसमें क्रेक्स भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ना आज बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा पचका जो हुआ है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। चलिए,
यही फील, यही अपने आप को सोच के रिलैक्स कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी है तो बहुत कुछ लेकिन इस ब्लॉग में मैं नहीं डाल सकती हूँ, उसका मैं पार्ट टू इसके आगे का ब्लॉग में सेकेंड पार्ट में डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो प्लीज़ होप आपको जो इस वीडियो में है, जो इस ब्लॉग में सारी कंटेंट है, आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जुड़े रहे हमारे साथ और देखिए कि इसके आगे क्या क्या होता है, कैसे हम कैसे गणपति जी बनते हैं और कैसे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए खुश रहिए सब लोग और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।